ओम शांति। मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी सेंटर लखनऊ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यदि बीपीपीवी बिनाइन पेरिक्सिमल पोजिशनल वर्टिगो बीपीपीवी का यदि पोस्टीरियर कैनाल में प्रॉब्लम हो तो कौन सी एक्सरसाइज करना चाहिए और कौन सा मैन्यूवर करना चाहिए जिससे कि आपको फायदा हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए क्योंकि इसके एक्सरसाइज के विषय में, मैन्यूवर के विषय में और क्या रेड फ्लैग्स होते हैं, क्या ऐसे सिम्टम्स हो जिसमें कि एक्सरसाइजेज नहीं करने हैं और पहले अपने ENT डॉक्टर को दिखाना है या अपने नियर बाई अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाना है जो वेस्टिबुलर देखते हैं, उनसे मिलना है। इसके विषय में भी मैं बताऊंगा और ये भी डिस्कस करूंगा कि एक्सरसाइज का मेन बेनिफिट क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि बिनाइन पेरिक्सिमल पोजिशनल वर्टिगो होता क्या है। तो बीपीपीवी में दोस्तों, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में डिटेल डिस्कस किया है कि कैसे एग्जामिन करें, क्या सिम्टम आए, क्या ऐसे कंडीशंस आते हैं जिससे कि हमें पता चल जाता है कि कौन से कैनाल में प्रॉब्लम है, निस्टेगमस जो हमारी होती है ना वो किस तरफ जाता है, इन सब के विषय में डिटेल में बात किया है। तो इसके विषय में हम लोग बात नहीं करेंगे। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शंस में दिया हुआ है जहां से जाके आप डिटेल में बीपीपीवी के विषय में जान सकते हैं। तो दोस्तों, यदि मैं ट्रीटमेंट की बात करूं तो इसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है हमारा मैन्यूवर, जिसमें कि हम जो क्रिस्टल हमारा कैनाल में आ गया है उसको अपनी जगह पे रिपोजिशन करते हैं। दोस्तों, होम एप्ले मैन्यूवर के लिए एक आदमी का साथ में रहना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे पोजीशन में जो पेशेंट हैं उनको आराम से बैठा देंगे और गर्दन को हमेशा ध्यान रखें कि अभी हम लोग राइट साइड का पोस्टीरियर कैनाल बीपीपीवी को ट्रीट करेंगे। तो राइट साइड को, नेक को, सेम एरिया जो सीधा दिख रहा है यहाँ से 45 डिग्री को मोड़ेंगे। 45 डिग्री का मतलब ये होगा कि यदि हम गर्दन से यहाँ से ये पूरा घुमाते हैं तो ये 90 डिग्री हो गया, यदि हम इसको हाफ घुमाएं तो हमारा 45 डिग्री हो गया। और दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि बेड पे हम लोग क्लिनिकल जब सेटिंग करते हैं तो ये गर्दन नीचे करने के लिए हमारे बेड में पोर्शंस होता है, लेकिन घर के लिए हमारा 45 डिग्री के रोटेशन के बाद 20 डिग्री का गर्दन का एक्सटेंशन होना चाहिए। एक्सटेंशन का मतलब ये ऊपर जाने को बोलते हैं। तो एक्सटेंशन गेन करने के लिए घर पे बेड पे हम लोग पिलो का सहारा लेते हैं और पिलो को ऐसे रखते हैं कि ये गर्दन का एरिया पिलो से नीचे आए। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले नेक को 45 डिग्री, राइट साइड को हम ट्रीट कर रहे हैं दोस्तों, तो राइट साइड कर दिए और गर्दन को 20 डिग्री का एक्सटेंशन कर दिए और क्लाइंट को लेटा दिए। लेटाने के बाद हम आंखों को देखते रहेंगे कि निस्टेगमस तो नहीं आ रहा है। जैसे कि निस्टेगमस में आंखें अप बीडिंग को जाएगी। तो दोस्तों, यदि आंखों में निस्टेगमस आ रहा है तो 30 सेकेंड से 1 मिनट तक हम होल्ड करेंगे। घबराने की ज़रूरत नहीं है, चक्कर आएगा, इसमें बहुत ज़्यादा चक्कर आएगा, लेकिन 30 सेकेंड से 1 मिनट में ये सेटल हो जाएगा। जब ये सेटल हो जाएगा फिर हम यहाँ से बोले तो 45 डिग्री अपोजिट साइड को बोल सकते हैं या फिर जहां थे वहां से 90 डिग्री पूरा बोल सकते हैं। यानी कि पहले हम 45 पे थे या तो 45 डिग्री यहां से इस तरफ को बोले या फिर यहां से पूरा हम 90 डिग्री बोले, रोटेट कर दें। और दोस्तों, इस रोटेशन के दौरान ये ध्यान रखना है कि गर्दन में जो एक्सटेंशन 20 डिग्री का दिए थे वो 20 डिग्री मेंटेन रहेगा। अब दोस्तों, फिर चक्कर आएगा। जब ऐसे में चक्कर आएगा तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जैसे मैंने बताया कि 30 सेकेंड से 1 मिनट के अंदर ये वर्टिगो जो था, जो आंखों में निस्टेगमस था और जो चक्कर आ रहा था वो अपने आप कम हो जाएगा। और कम होने के बाद फिर नीचे को देखेंगे, टर्न कर लें, यानी कि फिर 90 डिग्री देखेंगे और बेड पे जमीन के तरफ नाक का जो कोण है ये एक तरीके से देखें। फिर चक्कर आएगा दोस्तों, 30 सेकेंड से 1 मिनट के लिए चक्कर आ सकता है और आएगा ही। आने के बाद आप होल्ड करें 30 सेकेंड, नहीं भी आता है तो मिनिमम 30 सेकेंड के लिए आप रोकेंगे। फिर दोनों पैरों को बोलेंगे क्लाइंट से ऐसे करके उठ के बैठ जाएं। कभी कभी दोस्तों करने के बाद भी चक्कर आता है और इसको आप 2 से 3 बार कर सकते हैं घर पे, लेकिन एक बार करने के बाद काफ़ी देर रेस्ट करना है, एक्सरसाइज करना है। दोस्तों, कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें ये एक्सरसाइजेज नहीं कराते हैं या बहुत प्रिकॉशन के साथ कराते हैं, जिनके नेक में स्टेबिलिटी ना हो या उनके गर्दन में बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी हो उनको, या जिनको रिमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है उनको, या फिर दोस्तों जिसमें वर्टिब्रो वेस्कुलर आर्टरी की इनसफिशिएंसी हो उसमें एक्सरसाइज ये एप्लीमेनिवर नहीं करते हैं। और सेकेंडरी एक्सरसाइजेज होती है, तो एक्सरसाइज को समझने के लिए आपको इस वीडियो को देखना होगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये वीडियो जो है दोस्तों, इसमें मैंने डिटेल डिस्कस किया है कि हमारा बैलेंसिंग सिस्टम कैसे काम करता है, हमारा वेस्टिबुलर ऑर्गन काम कैसे करता है, जिसमें कि हमारा प्रोप्रियोसेप्शन, हमारी आंखें, हमारा ब्रेन और हमारे वेस्टिबुलर ऑर्गन ये सब मिलकर के बैलेंसिंग को मेंटेन करते हैं, कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करते हैं। तो दोस्तों, इसमें जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे ये चारों ऑर्गन काम करते हैं और इसका बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आता है। दोस्तों, यदि रेड फ्लैग साइन की बात करें कि क्या ऐसा सिम्टम दिखे तो आपको घर पे एक्सरसाइजेस नहीं करना है और जाकर के सबसे पहले डॉक्टर को दिखाना है। तो दोस्तों, यदि सडन हियरिंग लॉस हो रही है या आपके सुनने में फ्लक्चुएशंस है, जैसे हियरिंग जो होती है ना, जो सुनने में आपको फ्लक्चुएशन जैसा लगे, कुछ आ रहा है कुछ जा रहा है, या आपके ईयर से कोई फ्लूइड आ रहा है, ऐसे कंडीशन में, या फिर कानों में रिंगिंग साउंड आ रही है या टिनिटस साइन बहुत ज़्यादा आ रही है, ऐसे कंडीशन में आपको पहले, या फिर कभी ऐसा लगे कि कानों में बहुत भरा भरा सा कुछ है, या मतलब जैसे आप देखेंगे ना, सुनने जाते हैं तो पूरा अच्छे से सुनाई नहीं देता और भारी भारी सा लग रहा है, ऐसे कंडीशन में पहले आप ENT स्पेशलिस्ट को दिखा लीजिए या नियर बाई जो वेस्टिबुलर को देखते हो फिजियोथेरेपिस्ट, उनसे आप मिलके एग्जामिन करने के बाद ही एक्सरसाइज शुरू करें। तो दोस्तों, यदि मैं पहली एक्सरसाइज की बात करूं तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक पेन लेना है और पेन को सामने रखना है और इसका जो निप है दोस्तों, जो पॉइंटिंग वाला पोर्शन दिख रहा है, इसको फोकस रखना है और फोकस रख के अपने आंख से इसको देखते रहना है, आंख के फोकस को खोने नहीं देना है और गर्दन को ऊपर नीचे करना है। दोस्तों, इसको 20 बार करना है। सेकेंड एक्सरसाइज में आंख का फोकस इसी तरह मेंटेन रहेगा और गर्दन को दोस्तों साइड में ले जाना है और साइड में देखना है। इसको भी 20 बार करना है। जो साइड में ले जाना है दोस्तों, 45 डिग्री से ज्यादा नहीं ले जाना है। थर्ड एक्सरसाइज में क्या करना है दोस्तों कि नेक फिक्स रहेगा और पेन मूव करेगा, जिसमें कि आंख जो है इस पे फिक्स रहेगी और गर्दन, मतलब कि आंख घूम रही है फोकस के साथ लेकिन गर्दन मूव नहीं कर रही है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में दोस्तों गर्दन भी मूव करेगी और ऑब्जेक्ट भी मूव करेगा, यानी कि गर्दन भी देखी और ऑब्जेक्ट भी देखा, लेकिन फोकस इसमें भी नहीं खोएंगे। दोस्तों, इस एक्सरसाइज के दौरान ध्यान रखेंगे कि जब प्रॉब्लम एक्यूट है या ज्यादा है तो इसकी स्पीड स्लो कर लेंगे, जैसे जैसे बेटर होते जाएंगे वैसे वैसे अपनी स्पीड को बढ़ाते चले जाएंगे। नेक्स्ट में दोस्तों अपने नेक को आराम से रखना है, आंखों को रिलैक्स रखना है और गर्दन को साइड टू साइड मूव करना है, कोई फोकस करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम आंखों को बंद करेंगे और साइड टू साइड करेंगे और पूरी तरीके से बैलेंस करने की कोशिश करेंगे और इसके स्पीड को हम वैरी कर सकते हैं, स्टार्टिंग में स्लो। और सब एक्सरसाइज दोस्तों कम से कम 20-20 बार करनी है। दोस्तों, यदि ये एक्सरसाइज आप इजीली कर लेते हैं और आपको तकलीफ नहीं होती है, ज्यादा चक्कर नहीं आता है, क्योंकि स्टार्टिंग में करेंगे तो थोड़ा चक्कर आएगा बट ग्रेजुअली बेटर हो जाएगा। तो आप खड़े हो जाएंगे और पैर को थोड़ा दूर कर लेंगे और दोस्तों फिर पेन को फिक्स करेंगे, नेक को साइड टू साइड, नेक को ऊपर नीचे 20 टाइम्स, सेम गर्दन मूव करेगी और पेन फिक्स रहेगा लेकिन आंखों का फोकस नहीं खोएंगे दोस्तों। और अगेन दोनों मूव करेंगे, जिसमें पेन भी मूव करेगा और गर्दन भी मूव करेगी। इसके बाद दोस्तों यही करने के बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि यदि हम खड़ा हो पाते हैं तो पैर आपस में एक साथ सटा लें और सटा करके 1 मिनट तक खड़ा होने की कोशिश करेंगे। ये हमारी एक्सरसाइज है नेक्स्ट। इसके बाद यदि ये करने में हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है दोस्तों, तो नेक्स्ट स्टेप होता है कि एक पैर आगे और एक पैर एकदम लाइन में हो जाती है, जिसको हम टैंडम पोजीशन बोलते हैं दोस्तों। तो ये टैंडम गेट है, आप चाहे तो ऐसे एक एक पैर के सामने एक लाइन बना के उसके ऊपर आप चल सकते हैं और चलने के साथ इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये भी एक्सरसाइज बहुत इफेक्टिव है। यदि, लेकिन मैं हमेशा बार बार बोल रहा हूं कि जो स्टेप्स आप अच्छे से कर ले रहे हैं, यदि माइल्ड प्रॉब्लम है तो पहले दिन से सब एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं, लेकिन यदि ज्यादा प्रॉब्लम है तो धीरे धीरे बेटर हो तो नेक्स्ट लेवल ले जाएं। और दोस्तों सबसे लास्ट लेवल है, एक पेन का पॉइंट ले और एक लाइन पे चलने की कोशिश करें। इससे दोस्तों आपका बहुत ही अच्छा बैलेंसिंग हो जाता है। दोस्तों यदि ये एक्सरसाइज आप इजीली कर सकते हैं करें। इसमें सबसे मेन क्वेश्चन आता है कि एक्सरसाइज कितनी बार करनी चाहिए। ये एक्सरसाइज कम से कम दिन भर में 4 बार करनी चाहिए। हर एक्सरसाइज कम से कम 20 रिपीटेशन करना चाहिए यदि कोई तकलीफ नहीं है। जैसे पहले भी बताया मैंने आपको, एक्सरसाइज करने के दौरान स्टार्टिंग में स्लो मूवमेंट करें, फिर आप मूवमेंट की स्पीड बढ़ा सकते हैं। दोस्तों कम से कम ये एक्सरसाइज घर पे 3 महीने 12 हफ्ते तक करना चाहिए, इससे बेहतर रिजल्ट आएगा। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।